और आज मैं जहाँ पर भी हूँ बना रहे उसमें नेताजी का अमिट आशीर्वाद है जिसको मैं विस्मृत नहीं कर सकता। धरती पर की लाखों जनता की तरफ से श्रद्धांजलि और आज मैं जहाँ पर भी हूँ बना रहे उसमें नेताजी का अमिट आशीर्वाद है जिसको मैं विस्मृत नहीं कर सकता। धरती पर की लाखों जनता की तरफ से श्रद्धांजलि देश में आजादी के बाद किसानों गरीबों वंचितों शोषितों की लड़ाई लड़ते रहे और नेताजी ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत 1962 में छात्र जीवन से करके अपनी अंतिम सांस लेने तक हमेशा उसी आवाज को बुलंद रखा। नेताजी का एक ही कहना रहता था कि सदन तक पहुंचने के पहले हमें सड़क पर उतरना होगा, हमें उन लोगों की लड़ाई लड़नी होगी जो लोग सदन तक पहुंचाने का रास्ता दिखाते हैं। और नेताजी ने अपने सार्वजनिक जीवन में चाहे विपक्ष की राजनीति की हो चाहे सत्ता की राजनीति की हो अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु नौजवानों छात्रों वकीलों किसानों मजदूरों बेसहारों को हमेशा रखा है। पूजनीय जनेश्वर मिश्र जी जब भी किसी राजनीतिक मंच पर बोलते थे तो इस बात के लिए कहा करते थे कि लोहिया के बाद या दीनदयाल उपाध्याय जी के बाद अगर इस देश में कोई नेता हुआ है जिसने समाज के सभी वर्गों को छुआ तो मुलायम सिंह यादव जी। और ये बात बहुत किताबों में लिखी गई, बहुत लोगों ने अपने भाषणों में कही, लेकिन नियति का जब अंतिम दिन था, नियति के फैसले का जो अंतिम दिन था, उस दिन इस बात को चरितार्थ होते सारे संसार के लोगों ने देखा। विश्व के महान नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के बारे पर उनके निधन पर कम से कम 5 से 7 मिनट जो वक्तव्य दिया उससे उनके व्यक्तित्व की महानता का पता चलता है। नेता ने उन्हें अपना स्नेह और आशीर्वाद भी प्रदान किया है। मुलायम सिंह की स्थिति रही देश की सीमा पर लड़ने वाले जवानों जब वो शहीद हुआ करते थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।